मियाँ साहब जो है ना, खुली गाड़ी होती थी खुली, उसके अंदर बैठे होते थे। तो हम नारा लगाते थे, धेले की बीड़ी धेले का पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, पाकिस्तान में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। एक बच्ची आई, एक छोटा सा बच्चा था उसके गोद में, सिख जो है उनने वो बच्चे को छीना, छीन के बल्लम नहीं होता उसके ऊपर यूं छाला, बल्लम के ऊपर बच्चे की चीख निकली, इधर उसकी माँ की चीख, इधर उसकी माँ रोने लगी, उसकी भी गर्दन काट दी, बच्चे को भी मार दिया। ये हाल था पाकिस्तान। मेरा नाम राव मामा यूसुफ है, दिल्ली शहर में हम रहते थे। हमारी माशाल्लाह दुकान थी मिठाई की, एक चाचा की, दूध दही की। वाली साहब मेरे भैंसों का काम करते थे, बम्बई में यानी ले जाते थे, बेचते थे। कारोबार तो अच्छा बना। इंडिया में जो कांग्रेस की, पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे थे। उसके बाद में जीना साहब को लियाकत और सर सैद, ये 5-7 लीडर जीना साहब को लेके आए। उन्होंने मुतालबा किया अंग्रेज़ों से, पाकिस्तान का हमें भी हिस्सा दिया जाए। उनकी बात मानी गई, पाकिस्तान को बनाया। तकरीबन मेरी उम्र 15.5-16 साल की थी। वो टाइम आया जो तबादले का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का तबादला शुरू हुआ। तो उस टाइम जो बड़ी खून रेजी हुई, जलंधर या पानीपत के साथ जो दरिया है ना, वहाँ कट्ठी गाड़ी खड़ी करके काट देते थे। वो नंबर तो हमारा भी आ गया था, मगर अल्लाह मियाँ ने हमारी उम्र बढ़ानी थी, माँ बहनों की इज्जतें लुटी हैं। जब वो आज़ाद हुए, पता लगे भाई आज़ाद हो गए, हम बड़े खुश हुए, क्योंकि एक हिंदुस्तान की बजाय हमें पाकिस्तान मिला, मुसलमान हुकूमत मिली। ये मैं बातें बताता हूँ इनको, और ये पाकिस्तान बेटे ऐसे नहीं बना, बड़ी मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियों से बनाए। इसका आप बड़े हो गए, कोई फौज में जाना है जो पाकिस्तान की खिदमत करना, ईमानदारी से काम करोगे तो पाकिस्तान तुम्हारा बहुत आगे जाएगा।